हर किसान का सच हो सपना, जहर मुक्त खेत हो अपना। मैं मोहन नागर गुरु कृपा हर्बल फार्म में आपका स्वागत करता हूं। आज देश में सब किसान भाई सबसे ज़्यादा जो परेशानी है खेती करने में, जो दिक्कत आ रही है, वो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है खरपतवार की। खरपतवार ऐसी चीज़ है कि इसको बिना निकाले अपन फसल भी सही तरीके से नहीं हो पाती है, और निकालने के लिए लोगों को हजारों हजारों रुपए की दवाई मार्केट से ला करके इसमें स्प्रे करना पड़ता है। एक तरफ तो इसको नष्ट करने में महंगी केमिकल युक्त जहर युक्त दवाई लोगों को अपने खेतों में डालने की एक मजबूरी हो जाती है, और मजबूरी के साथ में ही आने वाले टाइम में जितनी दवाई का स्प्रे करते हैं, बार बार स्प्रे करने से ज़मीन ख़राब होती है, और आने वाले टाइम में अगर इसी तरह स्प्रे का उपयोग होता रहेगा तो आने वाले पीढ़ी के लिए ज़मीन एक नाकारा साबित हो सकती है। इसमें कोई फसल होने वाली नहीं है और पूरी ज़मीन बेकार हो जाएगी। इस वजह से आज इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए एक ही जैविक तरीके से खरपतवार को नष्ट करने वाली दवाई का निर्माण कर रहे हैं। हम यहाँ हमारे खेत पे गुरु कृपा हर्बल फार्म ग्राम सोप तहसील उनेरा जिला टोंक राजस्थान में आज इसका कुछ नया प्रयोग आपके सामने कर रहे हैं। हमारे एरिया में सबसे बड़े खरपतवार जो है वन गोभी भी कहते हैं, और हमारे यहाँ इसको कड़ी गोभी भी कहते हैं। ये पौधा पूरा जमीन का तत्व अपने खींच लेता है और फसल को कमज़ोर करता है, और पूरे खेत में बहुत बड़े बड़े पेड़, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े पेड़ इससे हो जाते हैं और जिससे फसल पूरी दिख जाती है। ये इतने बड़े बड़े इस जंगली गोभी के पेड़ हैं, और ये किसी तरह की स्प्रे से भी इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और नष्ट नहीं होती, इसको हाथों से निकालना पड़ता है। दूसरा खरपतवार हमारे एरिया में जो है सबसे विकट है, यह है अणखुरी। आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं? हमारे एरिया में अणखुरी होती है। ये बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल चिपटती है और पौधे को अपने जड़ पौधे को एक तरह से पूरे चिपक जाती है। ये इसको कहते हैं अणखुरी। ये लंबी बेल चलती है काफ़ी बड़ी, और ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है, हर सीजन में उगती ही है। अब इन सब चीज़ों के लिए आज हम जो है जैविक तरीके से हैं इनको नष्ट करने की दवाई का निर्माण कर रहे हैं। वो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिले। भाइयों, अब इन सब चीज़ों को हम जो है थोड़ा थोड़े टुकड़े में काट लेंगे। इनको इस तरह से काटते हैं, काट करके दथाली से इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। इस तरह आपसे दिखाने के लिए जो है सभी तरह की खरपतवार, जो भी खरपतवार है थोड़ी थोड़ी सभी तरह की अपने खेत में खरपतवार जितनी भी 2, 4, 10, 20 तरह की एक एक किलो अपन उसमें ले लेंगे और सबको बारीक काट के। ये है अणखुरी, ये लंबी इस तरह से लंबी चलती बेल, और ये पूरे पौधे को जकड़ लेती है, तो इसको भी हम काट के इसमें डालते हैं। और ये एक और पौधा है, किधर गया वो, एक ये स्पेशल पौधा, इसको कहते हैं पंजनी। हमारे एरिया में इसको पंजनी कहते हैं। इस तरह के ये फूल इसमें आते हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी हो जाती है भी, जिस एरिया में होती बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो हम इसको भी डालते हैं इसके अंदर। ऐसे सभी को इस तरह से डाल करके सबको जितना भी हो, आधा किलो एक किलो जो भी है सबको डाल के, और जो है ये इस ड्रम में
इस ड्रम में है वेस्ट डिकम्पोजर। इस ड्रम में हमने ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाया हुआ है। ये बहुत पुराना है, 1 महीने पुराना है। और सभी चीज़ों को, जो भी खरपतवार आपके खेत में है, जो भी 2, 4, 10, 20 तरह की, सबको टुकड़े करके और टुकड़े करके वेस्ट डिकम्पोजर घोल, जो आधा ड्रम भरा हो और आधा खाली हो, उसके अंदर आप इसमें इस तरह से आप डाल दो। इस तरह से डालने के बाद में इसको रोज 1-2 बार इसको हिलाते रहें। यह प्रक्रिया आप कम से कम 20 से 25 दिन तक जारी रखें। 20-25 दिन के बाद में यह आपका एक खरपतवार नाशक एक ट्रीटमेंट यानी एक दवाई बन चुकी है। ये जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है, इसका सारा इसका तत्व जो है इसमें अपने घोल में ले लेगा। और इसको बाद में आपको पानी के सिंचाई के साथ में अपने ज़मीन में इसको पिलाना है। आप अपने अपने तरीके से पिला सकते हैं, जैसे बाल्टी देना भाई, बाल्टी, जैसे कई लोग जिसके फवारा सिस्टम हो या ड्रिप सिस्टम हो, वो अपने वेंचर के माध्यम से इसको दे सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखते हैं, यह हमारा एक सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, और ये वेंचर इसमें लगी हुई है। ये वेंचर में डाल दिया है और उस वेंचर को चालू, ये हम इसमें चालू कर रहे हैं। ये चालू हो गई, ये जा रहा है इसके अंदर। ऐसे अपन वेंचर के माध्यम से भी दे सकते हैं, और जो भाई नहर से या पाइपलाइन से या फ्लड इरीगेशन करते हैं, वो अपने कहीं बड़े ड्रम हो जिसमें टोटी लगा लो, टोटी में डाल दो, टोटी को चालू कर दो, ताकि धीरे 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 अपने पानी के साथ में पूरी ज़मीन में ये फैल जाएगा। आप शुरुआत में, ये मेरा प्रयोग है, इसका रिजल्ट अभी अगले साल तक मिल पाएगा अपन को, तो अभी परिणाम की अपन संभावना आशा रखते हैं कि इससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये पूरा सिस्टम एक सर्च करके अपन ने हमने जो है इसको तैयार आज किया है। और आप सबसे निवेदन है कि आप भी इस तरह से जो भाई वेस्ट डिकम्पोजर काम में लेते हैं और जैविक खेती करते हैं, वो सब इस तरह से अपने खरपतवार को धीरे धीरे नष्ट करने का एक प्रयोग करें। आगे अपन को इससे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सभी भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो एक बहुत लाभप्रद है, और सभी देश के किसानों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार से जो परेशानी है वो सबकी दूर हो जाए और जहर मुक्त खेती अपन को मिल पाए, जहर मुक्त खेती पूरे देश में एक शुरू हो जाए। जय जवान, जय किसान।